गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको नवीं क्लास में सामाजिक विज्ञान में पाठ 6 1945 के बाद के विश्व के विषय में समझाऊंगी। प्राचीन काल में भारत और विश्व भर में लड़े गए असंख्य युद्धों के विवरण से इतिहास के पृष्ठ भरे पड़े हैं। मतलब प्राचीन काल में जो विश्व भर में युद्ध हुआ है वो पूरा इतिहास में उसको लिखकर रखा गया है, मतलब पूरे पेज भरे पड़े हुए हैं। फिर भी उन युद्धों में सदा अविस्मरणीय वैश्विक प्रभाव रखने वाले युद्धों में अधिकांश आधुनिक युग के 2 महायुद्धों, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, उन सबका समावेश होता है। तो बच्चों, ये सब जो युद्ध हुए हैं उनमें से कुछ युद्ध ऐसे हैं अविस्मरणीय, यानी कि जिनको भूला नहीं जा सकता। जैसे 2 युग का महायुद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ये सब ऐसे युद्ध हैं जिनको हम भूल नहीं सकते। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विश्व में अस्थायी शांति स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। देखो बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो राष्ट्रसंघ की स्थापना करने के लिए लोगों ने सोचा था, लेकिन वो निष्फल गया। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया था, परंतु अपनी कुछ सीमाओं के कारण वह निष्फल हो गया और इसवी सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय की हताश मनोदशा और भयंकरता ने मानव जाति को शांति और स्वातंत्र की रक्षा के लिए प्रयासों की पुनः एक बार आवश्यकता समझाई। परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई और 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र का दस्तावेज, संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज का आरंभ प्रस्तावना से होता है। मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत उसके प्रस्तावना से होता है। प्रस्तावना में मेन मुद्दों को समझा दिया जाता है। जैसे मान लो कोई कहानी है, कहानी की शुरुआत कैसी होगी, बीच में क्या है, कौन बीच में आता है, लास्ट में उसका अंजाम क्या होता है, किसको कौन सी सीख मिलती है, तो पहले ये सब प्रस्तावना में समझा दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज का आरंभ प्रस्तावना से होता है और उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य दर्शाए गए हैं। ये उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। पहला उद्देश्य क्या दर्शाया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। इसके लिए शांति के अवरोधक तत्वों को रोकना या दूर करना तथा आक्रमण या शांति भंग करने के कृत्यों को दबा देने के लिए प्रभावकारी सामूहिक कदम उठाना। हर एक अंतर्राष्ट्रीय झगड़े का शांतिपूर्ण उपायों द्वारा हल करना। मतलब कि एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ अगर झगड़ा हो रहा है तो उसको शांतिपूर्वक उस झगड़े को खत्म करना। दूसरा है, आत्मनिर्णय तथा सम्मान अधिकार के आधार पर राष्ट्र के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करना तथा विश्व शांति बनाए रखने के लिए सभी उचित कदम उठाना है। आत्मनिर्णय तथा सम्मान, मतलब लोगों का आत्म सम्मान भी बना रहे, उसके लिए अधिकार के आधार पर राष्ट्र के बीच मित्रता का भाव स्थापित करना, उनका एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध स्थापित करना, जिससे क्या है, विश्व शांति बनी रहेगी और हम आगे चल के उचित कदम या उचित निर्णय भी ले सकते हैं। जब एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से कैसे मित्रतापूर्ण संबंध रहेगा। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवतावादी समस्याओं का निराकरण लाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना तथा जाति, भाषा, लिंग या धार्मिक भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिए मूलभूत स्वतंत्रताओं या मानव अधिकारों के प्रति आदर भाव उत्पन्न करना। मतलब आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और मानव की समस्याओं के लिए, मतलब आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से मनुष्य की समस्याओं का निवारण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय का सहयोग प्राप्त होना। मतलब एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से सहयोग प्राप्त करना चाहिए तथा जाति और भाषा, लिंग, धार्मिक भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिए
मूलभूत स्वतंत्रताओं या मानव अधिकारों के प्रति आदर भाव उत्पन्न करना, मतलब जाति का, लिंग का, भाषा का भेदभाव नहीं करना, एक धर्म का दूसरे धर्म के साथ सब शांतिपूर्वक रह सके और ऐसा मानवों को अधिकार प्राप्त करना, मतलब कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से मानव की समस्या का निवारण करना और एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से सहयोग प्राप्त करना और लोगों के बीच जाति, भाषा, भेदभाव का ये खत्म करना, भेदभाव की भावना को खत्म करना, एकता का निवारण करना, जिससे क्या है मानव जाति का उद्धार हो और वो अपने निर्णय शांतिपूर्वक ले सके। चौथा, इन समान ध्येयों को सिद्ध करने के लिए कार्यरत अलग अलग राष्ट्रों के बीच संवादिता लाने वाली केंद्रीय संस्था के रूप में ऐसा कर सकते हैं। केंद्रीय संस्था के रूप में कार्य करना, मतलब कि ये जो ध्येय है, मतलब सबने जो अपना लक्ष्य निर्धारित करके रखा उसको पूरा करने के लिए अलग अलग राष्ट्र अलग अलग जगह काम कर रही है और बातचीत चल रही है, केंद्रीय संस्था के रूप में यह कार्य करना जरूरी है। ऐसी संस्था की स्थापना की गई है, एक राष्ट्र का कि दूसरे राष्ट्र के साथ सहयोग करना, उनका परेशानी का निवारण करना, उनको आगे ले जाना, ये सब विषय में चर्चा विचारना वो लोग कर रहे हैं। इस तरह दस्तावेज से प्रमाणित होता है कि युद्ध को तिलांजलि और चिर शांति की झंझना संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य ऐसा कह सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं रक्षा दस्तावेज को प्रमाणित करने के लिए युद्ध को तिलांजलि और चिर शांति की झंझना संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य ऐसा, मतलब उन सबको भूल जाना, उन सबको ख़त्म करना ही हमारे राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य है, तभी हमारा राष्ट्र व्यवस्थित रूप से हो सकता है। तो बच्चों, ये रहा हमारा संयुक्त राष्ट्र का दस्तावेज, जिसके विषय में हम लोगों ने जाना, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ सहयोग प्राप्त करना और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की स्थापना करना, आत्मनिर्णय और सम्मान का अधिकार प्राप्त होना, बच्चों एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ मैत्रीपूर्ण भाव स्थापित करना, फिर हर एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ समानतापूर्वक झगड़े का निवारण करना और एक दूसरे के बीच मानवता का अधिकार प्राप्त करना और जाति लिंग भाषा के बीच जो भेदभाव है उसको खत्म करना, फिर हर राष्ट्र को अलग अलग तरीके से एक दूसरे राष्ट्र की सहायता करना, उनके विषय में सोचना, फिर और जो उनका ध्येय सिद्ध किए हैं उसको पूर्ण करना, और जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध को भुलाकर संयुक्त राष्ट्र को आगे बढ़ाना, यही हमारी जिम्मेदारी है। तो बच्चों धन्यवाद, अगले वीडियो में मैं आपको शीत युद्ध के विषय में समझाऊंगी।